बहुत अच्छा हुआ राखी, तूने हमारे स्कूल में एडमिशन कर लिया। अब ना बहुत मजा आने वाला है। चल मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। चल थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ते आने वे करे ना के। गुड मॉर्निंग दोस्त। मॉर्निंग मिमी, ये कौन है? कदे साथ नहीं छटेगा जान। ये मेरा कजन सिस्टर है राखी। हाय राखी। हाय रिया। हाय हाय बुलबुल। हेलो माय नेम इज राखी। तो गाइस आज से हम चारों एक साथ रहने वाले हैशटैग बेस्ट ग्रुप। राहुल राहुल देखना मेरी तक इतनी क्यूट लग रही है। तो राखी ये है हम दोनों का सीन। क्या दिख रही है? अरे वो लड़का है ना, उसका नाम राहुल है, जो लिख रहा है ही इज माय क्रश। कितना हैंडसम है ना। हैंडसम तो है पर ये राहुल मुझे भाव ही नहीं देता। राहुल निविदा को क्या, किसी नीति को भाव नहीं देता। चुप करो तुम दोनों, चल बैठते हैं। निविदा ये बुलबुल क्या बोल रही थी कि ये लड़का किसी लड़की को भाव नहीं देता? हाँ यार बहुत खड़ूस है पर देखना कितना हैंडसम है ना। हाँ थोड़ा हैंडसम तो है। और तुझे पता है ये ना स्कूल का टॉपर है, पूरे स्कूल का, इसीलिए तो ये मेरा क्रश है। पर क्या करूँ ये मुझे भाव ही नहीं देता। भेजा था पर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम मेरे स्कूल में रहते हो और मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तो फेसबुक में रहके क्या करोगे? बाय। राहुल राहुल। तुम भी नहीं हो और हंस क्यों रहे हो? मेरी तो तुझसे राहुल नहीं पढ़ने वाला। तीनों को देखने की क्या जरूरत थी? विमिता चल ना बैठ, बैठ के बातें करते। हाँ चलो बैठ बैठ। गर्ल्स मुझे राहुल को पटाना है, कैसे पटाऊं? राहुल तो उसे पटने वाला नहीं है और वैसे भी राहुल उस टाइप का लड़का भी नहीं है। अब तुझे तो पता है राहुल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ यार तुम दोनों को याद है झरना और प्रिया? झरना और प्रिया? कौन झरना और प्रिया? अरे वो राहुल ने उन दोनों के साथ। देख प्रिया बात समझ, राहुल को मैं प्रपोज करूंगी, तू बीच में मत आ। तू तो बीच में आ रही है। राहुल मेरा है। मेरा नहीं, राहुल मेरा है। नहीं मेरा है। मेरा है राहुल। मेरा है। लड़ो मत। राहुल तो तुम दोनों का ही है। राहुल लेकिन तुम हम दोनों का कैसे हो सकते हो? है ना मेरे पास उपाय, बहुत प्यार करते हो ना तुम दोनों मुझसे। क्या उपाय निकाला है राहुल? उपाय है ना, आज तो तुम दोनों को पता ही है क्या है, आज राखी है। ये लो राखी और बांधो मेरी कलाई में, हो गया ना अब दोनों का भाई। लो लो बंधो बंधो। पर राहुल प्यार? प्यार भी होगा ना भाई और बहनों वाला। बंधो बंधो जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। बंधो बंधो मेरा प्यारी दोनों दीदी। बंधो बंधो बंधो। अब हुआ ना बात, फूलो फलो मेरे दो बहनों। सैया सोचा था ये तो भैया निकल गए। क्या राहुल ने उस लड़कियों से राखी बंधवा ली? मतलब राहुल को किसी लड़कियों पे इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी पर भी नहीं। नहीं अगर कोई अप्सरा जाएगी ना राहुल के पास तभी भी राहुल किसी का भाव ही नहीं देगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा ही है। नहीं मैं मानती नहीं। बुलबुल बता दे इसे। सच में राखी राहुल को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं नहीं सच में मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है सच में। तो लगा शर्त, राहुल को पटाके दिखा। सर के प्राइस क्या होंगे? 20,000। मैं तुझे 20,000 दूंगी, राहुल को पटाके दिखा। तो लगी सर। तो गर्ल्स पार्टी के लिए रेडी हो, मिमिता के पैसों में खूब पार्टी करेंगे हम।
इम्पॉसिबल। पार्टी तो होगी पर मेरे पैसों से नहीं, राखी के पैसों से। वो तो वक्त ही बताएगा कि किसके पैसों से पार्टी होती है। वन वीक, बस वन वीक। इस वन वीक में राहुल के मुंह से मैंने आई लव यू ना निकाल दिया ना, तो मेरा नाम भी राखी कुलुंग राय नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो राखी, तेरा टाइम स्टार्ट होता है आज से। ठीक है। इस मिमिता से शर्त तो लगा ली है कि मैं इस लड़के को पटा लूंगी, पर तो पटाऊंगी कैसे? और पटाने के लिए तो बात करनी पड़ेगी ना। क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ? हाँ, सिट सिट, इस पेन को भी अभी ख़त्म होना था। क्या करूँ, मेरे पास तो पेन भी नहीं है, दूसरी अब कहाँ से लाओ? ये मिमिता भी आई नहीं है, क्या करूँ? प्रोजेक्ट भी बनाना है। हाय, मेरा नाम राखी है। वो मैं कहना चाह रही थी ना कि वो मैं थैंक यू अपने पास रखो, बाद में मेरा पेन लौटा देना। सच में ये तो बहुत खड़ूस है। देखता भी नहीं, कैसे पटाऊंगी? ये पटाएगी राहुल को? राहुल ने तो इसकी तरफ देखा तक नहीं। राखी, ये तेरी बस की बात नहीं है। राखी की 20,000 गई। राखी की तो 20,000 गई। पार्टी के लिए रेडी हो जाओ गर्ल। एक हफ्ते ना अभी पूरे नहीं हुए। अरे राखी, तू गुस्सा क्यों हो रही है? राखी सुन ना। इस राहुल को ना अब मैं पटा के रहूंगी, पर कैसे पटाऊं? ये तो मुझे देखता नहीं है, बात करनी तो दूर की बात, क्या करूं? आइडिया। तुझे क्या लग रहा है राखी, ये तेरे रोज और थैंक यू लेटर देख के क्या राहुल पट जाएगा? क्या पता पट जाए। ओए राहुल आ गए। राहुल ये क्या है भाई? ओहो रोज, थैंक यू राहुल, राखी, पापड़े, पेन भी दिया है, ये रोज भी दिया है तेरे को राखी ने, वाह भाई। पर मिमी अब तू बस देख राहुल उस लेटर को कैसे देख के स्माइल करेगा। वो लेटर देख के राहुल स्माइल नहीं करेगा, अब तू देख वो लेटर राहुल कैसे फाड़ता है। राहुल, राहिल तुझे पेन गिफ्ट किया है क्या? ये पेन मेरा ही है, मैंने उसे दिया था, वो बस थैंक यू बोलना चाह रहा है, पर मुझे उसकी थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। ये तो क्या कर रहा है, अरे पागल हो गए। ये मैं दे दूंगा। देखा ना राहुल ने वो लेटर कैसे फाड़ दिया। वो मेरे बेंच पे रोज़र लेटर तुमने रखा था? हाँ, क्योंकि वो मेरा तरीका था थैंक यू बोलने का। थैंक यू सीधे तरीके से भी बोल सकते थे, ये रोज़र लेटर रखने की क्या जरूरत था? जरूरत थी क्योंकि ये मेरा तरीका है, पर तुम नहीं समझोगे ये बात। तुम ऐसे खड़ूस, इतने बोरिंग, ऐसे रोबोट जैसे कैसे बन सकते हो? रोबोट और इंसान में फर्क होता है राहुल, और तुम ना रोबोट की तरह हो, इंसान जैसा नहीं। बाय द वे थैंक यू पेन देने के लिए। यार इसने तो मुझे रोबोट बोल दिया, मैं रोबोट हूँ क्या? ओ देवा, इधर आ।
इधर सुन, मैं एक बात पूछू। हाँ? पहले फोन दे, फोन देना यार, मैं एक बात पूछूंगा, सीधे से जवाब देना। हाँ, मैं कैसे लगता हूँ? पहले फोन दे फिर बोलूंगा। तू पहले बोल, उसका फोन दे दूंगा। पक्का देगा? हाँ। तू लड़का है, लड़का जैसा लगेगा ना। तुझे मैं रोबोट की तरह तो नहीं लगता हूँ ना, सच बता भाई। क्यों बता ना, सच बोलू भाई? हाँ। तू ना थोड़ा सा रोबोट जैसे लगता है। 9 से 3 बजे तक तू स्कूल में पढ़ता है, 3 से 6 बजे तक तू ट्यूशन में पढ़ता है, 6 से 8 बजे तक तू घर में पढ़ता है और 8 से 7 बजे तक सोता है, फिर स्कूल आके फिर वही रिपीट करता है। तो तू थोड़ा सा रोबोट जैसा है मेरे भाई। तो तू बता, तू पूरा दिन क्या करता है? मैं 9 बजे स्कूल आता हूँ, मस्त चिल करता हूँ, लड़की देखता हूँ, वीडियोस गेम खेलता हूँ, क्लास बंक करता हूँ, फिर छुट्टी के बाद ट्यूशन के नाम पे दोस्तों के साथ मूवी देखने जाता हूँ, मस्त चिल जिंदगी। और घर जगह तो पढ़ने का नहीं, ऐसे मोबाइल लेता हूँ और गेम खेलता हूँ। इसे कहते हैं इंजॉय। इसे इंजॉय नहीं, इसे अपना लाइफ खराब करना कहता है। क्या देखी जा रही है राहुल, तुझे भाव नहीं देने वाला। अब तू देख मैं क्या करती हूँ, चल। तुझे लगी तो नहीं ना? लगी है। राहुल मुझे देख रहा है या नहीं? देख देख देख, राखी सच में राहुल तो तुझे ही देख रहा है। चलिए, मतलब ये सब तो ना नाटक था। राहुल इतना बुरा लग रहा है तो जाके पूछ लेना कितना दर्द हुआ है। चुप कर, क्लास का टाइम हो गया, जल्दी चल। तुम गिर गए थे, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्या हुआ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये हो क्या रहा है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, चोट ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं। ठीक है राहुल, राखी अभी ठीक है। ठीक है, और थोड़ा ध्यान से चलना। राहुल ने तुझसे बात किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लगता है मिमिता तेरे 20,000 जाने वाले। भाई ये हो क्या रहा है, तू राखी से बात कर रहा है? थोड़ा फीलिंग आधा रख ली ध्यान वे, करे ना के तू एक एहसान वे, ये उम्मीद कदे साथ नहीं ओ छड़ेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं ओ कड़ेगा। तो गर्ल्स पार्टी करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि राखी शर्त हारने वाली है। हाँ, शर्त का छेद होने वाला है और राहुल अभी तक पटा नहीं। राहुल पटने भी वाला नहीं। वो राखी तो मैडम शर्त के पैसे रेडी तो है ना? मिमी वो तो तुझे पता होनी चाहिए ना, क्योंकि पैसे तो तू देने वाली है। व्हाट अ जोक, राखी तू हारने वाली है। आज शर्त के 6 दिन हो चुके हैं और कल 7वां दिन है। पैसे तू रेडी रख। मैं एक बात बोलूं, कल 7वां दिन है तो कल राहुल मुझे आई लव यू बोलने वाला है। देखते हैं, देख लेना। राखी तुझे क्या हुआ, तेरा हाथ कैसे टूटा? अबे इतना सीरियस मत हो, ये नाटक कर रही हूँ मैं। राखी आज 7वां दिन है ना, राहुल को मुझे पटन है। चलो और देखो कि आज मुझे राहुल कैसे आई लव यू बोलता है। चलो फॉलो मी। ये राहुल है कहाँ, वो देख। तो गर्ल्स तुम लोग यही रुको और देखो ये राहुल मुझे कैसे आई लव यू बोलता है। हाँ हाँ जाओ, हम भी देखते हैं। अरे राखी। हाँ राहुल। ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे आई, बोलो ना कैसे हुआ?
वो राहुल, वो मेरा हाथ ना टूट गया है। क्या, कैसे? अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ राहुल, मेरा हाथ कैसे टूटा है। मिमिता, लगता है तेरा 20,000 गई। चुप कर, देखना राखी कैसे एक्टिंग कर रही है। बता ना क्या हुआ और कैसे हाथ टूटा। तुम जान के क्या करोगे राहुल, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं जिस दिन स्कूल आई थी मैंने तुम्हें देखा, मुझे देखते ही तुमसे प्यार हो गया। देख देख इसको नौटंकी देख। और जब मुझे पता चला कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है, फिर मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता ही नहीं पाई। और कल मैं तुम्हारी यादों में इतनी खो गई कि सीढ़ियों से कब गिर गई पता ही नहीं चला। राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पर मुझे ये भी पता है कि तुम्हें लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुम्हें ये सब क्यों बोल रही हूँ, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। चलती हूँ। क्या बोल रही थी ये? राहुल उसको आई लव यू बोलेगा। पार्टी के लिए रेडी हो जाओ गर्ल्स। राखी, अब तेरे पैसे गए, इतनी एक्टिंग करने के बाद भी इसने तो कुछ बोला ही नहीं। मुझे लगा ये भी मुझे पसंद करता है। कल तो वैसा ही लग रहा था जब मैं गिर गई थी। कुछ बोल दो राहुल, प्लीज कुछ बोल दो। चलो गर्ल्स, खेल खत्म। राखी रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें जब पहले दिन स्कूल में देखा उसी दिन तुम मुझे अच्छी लगने लगी, पर कभी कह नहीं पाया। लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई लव यू राखी। दीपक क्या हुआ? अबे अबे दस हजार है, 10,000 कल दे दूंगी। ठीक है, मुझे देने की जरूरत नहीं है। वो 10,000 बुलबुल, रिया, वो 10,000 तुम दोनों के, पार्टी कर लेना। ठीक है, चलती हूँ, बाय बाय। ये तो गजब ही हो गए यार। राखी, तुम्हारा हाथ भी ठीक है ना? हाँ ठीक है। तुम तो बहुत खुश होगी। हाँ, पर खुशी क्यों राहुल? क्योंकि तुमने शर्त जो जीत गए। शर्त? शर्त? हाँ, कैसे सर? वही शर्त जो तुमने मिमी के साथ लगाया था। मिमी से मैंने कौन सी शर्त लगाई थी राहुल? कैसे बात कर रहे हो तुम? इतने जल्दी भूल कैसे गए? मुझे पटाने के लिए जो शर्त लगाया था। कैसी बात कर रहे हो तुम राहुल? मैंने तुम्हें पटाने के लिए कब शर्त लगाई थी? झूठ मत बोलो, मैंने तुम लोगों की सारी बात सुन ली थी। शर्त के प्राइस क्या होंगे? 20,000। मैं तुझे 20,000 दूंगी, राहुल को पटा के दिखा। तो लगी सर। तो गर्ल्स, पार्टी के लिए रेडी हो? तो मुझे पटाने की शर्त लग रही है। राहुल, तुम्हें सब पता था? हाँ। तो तुमने ये किया क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें शर्त वर्त छोड़ के थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। तुम लोग कहते थे ना कि मुझे लड़कियों पे क्यों नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे किताबों में इंटरेस्ट है। और आखिर एक सच बात बोलूँ, तुम भी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। इतना चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फोकस ऑन योर स्टडी, गुड लक। मैं तो जीत के भी हार गई।